हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम 2 सेकंड का पॉज लेते हैं किसी भी मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करने के टाइम पे, तो क्या ऐसे बेनिफिट निकलते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, और वो टेक्निक आपको अपने वर्कआउट में जरूर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगी और मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियोस हैं, आप सब के सब देख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, साथ में टेक्निक भी बताता हूँ कि 2 सेकंड पॉज जब हम लेते हैं किसी भी वर्कआउट करने के टाइम पे तो क्या बेनिफिट निकल के आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो है कि आपकी एक्सरसाइज की जो फॉर्म है वो इम्प्रूव होती है। एक्सरसाइज की फॉर्म इम्प्रूव कैसे होती है? जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, चेस्ट की, बाइसेप्स, शोल्डर या फिर आप पेक्टर, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप 2 सेकंड का पॉज जब लेते हो ना तो आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म इम्प्रूव होती है, बिकॉज आप स्टेबल रहते हो वहाँ पे और अपने आप को अच्छे से मसल के ऊपर टेंशन क्रिएट करवा रहे होते हैं। जितनी अच्छी मसल की टेंशन क्रिएट होती है, जितना आप स्लो लेके जाते हैं, ठीक है, आराम से जितना आप लेके जाओगे उसी वजह से आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म सही होगी। और अगर आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म अच्छी है तो आप पर्टिकुलर उसी मसल ग्रुप पे हिट कर पाओगे, और जितना आप अच्छे से उस मसल ग्रुप को हिट कर पाओगे उतने ही उस मसल की इंप्रूवमेंट होगी। जिन लोगों को वेन्स निकालनी है, ठीक है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो हमारा ये बॉडी है, हमारा जो स्किन है, इसके नीचे जो मसल यूज हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर फैट है। जो फैट को ना, जब भी आप मसल को स्क्वीज करते हो, बाइसेप्स को स्क्वीज करते हो और उसको पॉज देते हो वहां पे, तो आपकी वेन्स बाहर निकल के आती है, बिकॉज आपका फैट वहां से रिड्यूस हो रहा है। और हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप इस तरह के टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो हैवी वेट के साथ ये टेक्निक ना फॉलो करें, आप लाइट वेट के साथ ये टेक्निक फॉलो करें। लाइट वेट के साथ जितना अच्छा आप टेक्निक ये फॉलो करेंगे अपने मसल को, फॉर एग्जांपल आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपने जितना इसको यहाँ से ऊपर लेके पॉज दिया 1 सेकंड का या 2 सेकंड का, जितना आपने पॉज दिया था उतना ही आपको यहाँ पे आपकी वेन्स बाहर निकलती हुई आएंगी। और बिकॉज क्या होता है, जब हम अच्छे से हिट करते हैं, पॉज देते हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है हमारी वेन्स के अंदर, और जो फैट की लेयर होती है वो भी कहीं ना कहीं कट डाउन हो जाती है। काफ़ी सालों से मुझे भी ये टेक्निक के बारे में नहीं पता था, बट मैंने पिछले 3-4 साल से इस टेक्निक को फॉलो करना स्टार्ट किया है, वेरिएशंस करता रहता हूँ मैं। तो जब ये वेरिएशंस मैंने भी स्टार्ट करी कि यार 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड का पॉज देना है जब भी कोई वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप बाइसेप्स कर रहे हैं, ट्राइसेप्स कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मुझे ऐसा फील हो गया स्ट्रेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो तीसरा बेनिफिट इसका यही है, जब भी आप 2 सेकंड का पॉज लेते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आप हैवी वेट भी उठा पाओगे, बिकॉज आपकी फॉर्म सही है, वेन्स निकल रही हैं, फैट रिड्यूस हो रहा है और आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। हमेशा आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि यार अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होगी, तो आपको हमेशा लाइट वेट के साथ पॉज देके एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज हमें ये पता होता है कि जब हम हैवी उठाते हैं तो हमें पता होता है कि यार हैवी है तो मेरे को उसको पूरा पावर लगाना है, ये चीज़ हमें पता होती है। बट जब हम लाइट वेट उठाते हैं और हमें पता होता है कि यार हमें स्ट्रेंथ भी गेन करना और फॉर्म भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लाइट वेट के साथ आराम से उठा नहीं पाते और कहीं ना कहीं वो फॉर्म खराब हो जाती है। अगर फॉर्म खराब है तो स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं हो रही, अगर स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं हो रही तो मसल अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेनिफिट आपको देती हैं जब आप 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, बिकॉज स्टेबिलिटी जब मसल में तभी आती है, मसल में मेच्योरिटी तभी आती है जब आप उसको हिट करते हैं अच्छे से, बिकॉज अच्छे से हिट होगा, पॉज देंगे आप, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और आपको ये सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे। ट्राई जरूर करें, अपने किसी भी वर्कआउट में इंप्लीमेंट करें धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइसेप्स करना चाहते हैं तो बाइसेप्स में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें, हैमर करें तो हैमर को होल्ड करें फिर रिलीज करें, कर्ल करें तो कर्ल को होल्ड करें रिलीज करें, तो ये सारे के सारे बेनिफिट आपको जरूर मिलेंगे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें अगर आपको इसका बेनिफिट मिला है, बिकॉज मैं भी ये टेक्निक फॉलो करता हूँ, मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर की जाए और आपको ये पता लगे कि यार वेन्स कैसे निकलती है और फैट कैसे रिड्यूस होता है, स्टेबिलिटी कैसे बनती है या फिर एक्सरसाइज की फॉर्म कैसे इंप्रूव होती है। तो थैंक यू गाइज फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। इस तरह के वीडियोज, इंटरेस्टिंग वीडियो, टेक्निकल वीडियोज, सब कुछ आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, अगर सब्सक्राइब करोगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और मेरे सारे वीडियो आप देख पाओगे। थैंक यू गाइज फॉर द लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी।